ज्यादा उम्मीद है। ये दूसरा कार्यक्रम है आपका और आपने आपके ये घोषणा पत्र का भी बिंदु है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ उम्मीदें जगी हैं और मैं तो सोचती हूँ और मैं मान रही हूँ क्योंकि मैं आध्यात्मिक तरफ भी बहुत ज़्यादा है और ईश्वर करता है जो कुछ कराते हैं, हम तो एकमात्र माध्यम होते हैं। तो मैंने जब वहाँ पर दिल्ली में अपने जो पर्यटन मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी हैं उनको याद भी दिलाई, शुभकामनाएँ भी दी। मैंने कहा भाई साहब, ये आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं चुनाव लड़ रही थी, निकाय चुनाव थे, तो ये घोषणा पत्र आप ही ने बनाया था संगठन की तरफ से और उसमें आपने एक बिंदु रखा था कि पर्यटन को ऋषिकेश में बढ़ावा कैसे देना है, उसके लिए संजय झील का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए बैराज जलाशय का वाटर स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे हम किस तरह से डेवलपमेंट करें, तो ये आपके बिंदु मुझे लग रहे हैं कि आपके जो घोषणा पत्र बना के उस समय हमें दिया था कि जनता के बीच जाओ और ये घोषणा करके आओ, तो मुझे लगता है कि अब ये सार्थक होते दिख रहा है। तो मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने बिल्कुल तत्काल इस पे हामी भरी और एक चीज़ और आगे बढ़ के बोली कि आप लाइटिंग का भी इसमें करवाइए, फैंसी लाइटों का भी, ताकि हम बैराज जलाशय पे भी, संजय झील पे भी, आस्था पथ पे भी किस तरह से चमचमाती हुई लाइटें, फैंसी लाइटें लगा सकते हैं, उसका भी आप प्रस्ताव भेजना, तो ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अच्छा उनका मंतव्य है कि ऋषिकेश को किस तरह से और अच्छे से डेवलप करें।